अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, टुक हिरस हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है कज़ाक डाकू, पुरानी उर्दू है पुरानी उर्दू, कज़ाक डाकू अजल मौत वगैरह, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, दुनिया के डाकू तो छुप के आते हैं ना, और ये डाकू खुल के आता है और डंके की चोट पे आता है, ऐलान करके आता है, आ रहा हूं आ रहा हूं, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, उठते जनाजे देखो लंबी पनामा की बिल्डिंग ना देखो, यहाँ के मॉल मॉल ना देखो, शॉपिंग मॉल ना देखो, यहाँ के शॉपिंग सेंटर ना देखो, यहाँ की टूटी कब्रें देखो, शिकस्ता कब्रें देखो, जिन पर आज फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। तो भाइयों ये अल्लाह ने जवाब दिया है कि कायनात का मालिक अल्लाह है, कोई शरीक है ला शरीक लहु, कोई वजीर है ला वजीर लहु, कोई मिसल है ला मिसल लहु, कोई मिसाल है ला मिसाल लहु, कोई मुकाबिल में है ला निद्द लहु, कोई टक्कर में है ला दिद्द लहु, कोई हमसर है हल तअलम लहु समिया, अल गनी ला ज़हीर लहु, अल अलीश ला समिया लहु, ला 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 ला, हर तरफ तो अल्लाह ने ला ला के साथ कायनात को जेरो जबर कर दिया है कि जो है अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हर शय ला है, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। मेरे भाइयों पनामा में रहो मक्का में रहो, अल्लाह को पहचानो अल्लाह को पहचानो अल्लाह को पहचानो अल्लाह को पहचानो, जिसने पैदा किया जो मौत देता है, मौत क्या है मौत क्या है, तो अल्लाह ताला जवाब देता है यही व यमीत, मैं जिंदगी देता हूँ मैं मौत देता हूँ, कैसे मौत देता है ये तो अल्लाह ने बता दिया एक इजमाली तरीके पर, मुख्तसर मुख्तसर बताया यही व यमीत, मैं मौत देता हूँ मैं जिंदगी देता हूँ, कैसे देता है الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, मौत कैसे आती है, तो अगर मैं तुम्हारे जिस्म में से रूह को निकाल लेता हूं मौत आ जाती है। जिस्म से रूह को निकालने वाला अल्लाह है, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذن تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين, روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں جسم بے جان کرتا ہوں, ڈاکٹروں کی ٹیموں پر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے اور میرا امر آ چکا روح نکالو, تو میں نکال رہا ہوں تم لوٹا کے دکھاؤ, مارنے والا اللہ ہے۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا, موت کے بعد کیا ہوگا, یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا, ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو گئے, اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا, کون آیا ہے آج تک, کوئی نہیں آیا, ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے, جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بالکل سرما ہو گئیں اب اسے کون زندہ کرے گا۔ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی, تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے, تو وہ بالکل سرما بن گئی, تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی, تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا, تیرا رب اسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین,
देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم, और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। قل يحييها الذي انشاها اول مره, बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। وهو بكل خلق عليم, हर मखलूक पर उसकी नजर है, अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफ़र नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है, अंधेरा है, और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला यअज़ब अन रब्बक मिन मिथ़क़ाल ज़र्रा, एक ज़र्रे से एक ज़र्रा भी तेरे रब की नज़र से छुप नहीं सकती। अइनमा तकूनू यअति बिकुम अल्लाहु जमीअ, जिधर जाते हो चले जाओ अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है, मैं मुख्तसर हर चीज़ का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है, तो मेरा रब कहता है यौमन सय्युरुल जिबाल, मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूँ एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है, इदा वक़ाति लवाक़िअ, उसने होना है, लैसा लवाक़ातिहा काज़िबा, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुटला कोई नहीं सकता। खाफ़िदतु रफ़िअ, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, कैसे होगा, इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, ज़मीन में ज़लज़ला, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, फ़कानत हबाअं मुनबस्सा, और पहाड़ थर थराए कप कपाए और रेजा रेजा हो गए। ये एक दिन आने वाला है, यौम तशक्कक़ अस्समा, आसमान फटेगा, इदा अस्समा उन्फतरत, व इदल कवाकिब उन्तफरत, व इदल बिहार फुज्जरत, व इदल कुबूर बुअसरत, हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया। इदा शम्स कुव्वरत, सूरज, व इदन नुजूम कदरत, सितारे, व इदल जिबाल सुय्यरत, पहाड़, व इदल इशार उत्तल, जानवर, व इदल बिहार सुज्जरत, ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल मन अलैहा फान, हर शय को फना है, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी, ज़मीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए चार फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, और चार फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी, कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो, तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील मिकाईल इसराफील और तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मिकाईल मर जाएं, तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा अर्श या अल्लाह जिब्रील मिकाईल को बचा लो, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकत फ़कत कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, चुप हो जाओ मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है, ये क्या दुनिया है, किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं, किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं, किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है, किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है, ये क्या है, ये क्या धोखा है, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए। पर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, कहेगा या अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम, इसराफील के हाथ में वो सूर है जिसको फूंक रहा होगा, तो अल्लाह कहेगा इसराफील मर जाए, वो गया इसराफील, और जो सूर था वो उड़कर जैसे ये फानूस लटका हुआ छत के साथ, ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, तो अब मलकुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगी, सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई, क्योंकि अल्लाह सब तो ऊपर तो है और नीचे मैं हूँ, तो मेरा अल्लाह कहेगा मत,
مر جا تو بھی میری ایک مخلوق, خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے, وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات, کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات, کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات, کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے, سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون, ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے.